जब कोई वतन तब तब पायलट बाबा जैसा पैदा होता रतन जीवन एक विचार है जिसे कोई दिव्य शक्ति संचालित करती है ये दिव्य शक्ति समय समय पर अपने तरीके से विश्व को संचालित कर धर्म की सत्ता स्थापित करती है और अधर्म का नाश करती है कभी एक विचार क्रांति के रूप में तो कभी चमत्कारिक घटनाओं के माध्यम से ये दिव्य शक्ति युग निर्माण और युग परिवर्तन का संकेत देती है इन्हीं दिव्य शक्तियों के प्रताप से आज से लगभग 40 साल पहले पर्वतराज हिमालय के आभा मंडल में एक युग दृष्टा और युग प्रवर्तक महायोगी का अवतरण हुआ पायलट बाबा नाम का ये महायोगी हिमालय के नवमंडल में एक ऐसा प्रकाश पुंज बिखेर रहा था जिसे देखकर हिमालय के संत महात्माओं को भी किसी अद्भुत शक्ति पुंज का आभास होने लगा था पायलट बाबा नाम का यह महायोगी युग निर्माण और विश्व कल्याण का ज्योति पुंज था जिसे हिमालय ने अपने नवमंडल में पाला पोसा था आज इस कर्मयोगी की महान गाथा हिमालय कह रहा है युगों युगों में ऐसा योगी एक पैदा होता है युगों युगों में ऐसा योगी एक पैदा होता है धरती के कोने कोने में शांति बीज बोता है युगों युगों में ऐसा योगी एक पैदा होता है धरती के कोने कोने में शांति बीज बोता है गर्व से कहता है हिमालय हो 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 गर्व से कहता है हिमालय इस योगी की अमर कहानी गर्व से कहता है हिमालय इस योगी की अमर कहानी लुटा रहा है दुनिया में जो सत्य प्रेम की अमृतवाणी हम सत्य से साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं हम स्वयं से साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं अगर कोई योगी कहता है आसन कर लेने से प्रणाम कर लेने से हमारी ईश्वर के सामीप्य प्राप्त हो गया तो नहीं यह योग जो है ऊर्जा का विज्ञान है जिस तरह से परमात्मा ने यह सुंदर शरीर अति सुंदर शरीर हमें आपको दिया है जिसके माध्यम से हम संसार में अपने कर्तव्यों को अपने कर्मों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम कुछ क्षण के लिए अकेले होने की कोशिश करें जो कुछ भी हम करते हैं उसको करते करते हम रुक जाने की ठहर जाने की कोशिश करें जब हम ठहर जाएंगे तो हमारी क्रियाशीलता हमारी गतिशीलता हमारा आपका जो मूवमेंट्स मोशन है जो मन के साथ है इंद्रियों के साथ है वो रुक जाएगा जब उसमें रुकावट पैदा होगी तो आपका मन एक करवट बदलेगा वो दूसरी जिसको अध्यात्म कहते हैं सांसारिकता से अध्यात्म की ओर करवट लेने के लिए आपको रुकना पड़ेगा आपको ठहरना पड़ेगा हिमालय के नवमंडल में आलोकित पायलट बाबा नाम का ये सितारा जगत का कल्याण करने के लिए विश्व पटल पर ईश्वर का एक अनुयायी बनकर आया था इस युवा महायोगी का दरिया दिल इतना निर्मल था कि इसके प्रवाह में इस संसार के हर एक प्राणी जीव जंतु से लेकर पंछी तक आनंद मग्न होकर गोते लगाने लगे ऐसा ही कुछ हिमालय कह रहा है
सचमुच इनका जीवन प्रेम का सागर है। यही कारण है कि कपिल के नाम से लोकप्रिय बाबा अपने सांसारिक जीवन में भी सदैव एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनकर प्रेम की वर्षा करते रहे। वो कभी दार्शनिक विचारों में खो जाते तो कभी जीवन और जगत के अद्भुत रहस्यों में डूब जाते। युवा कपिल अपने हसीन पलों को बहुत ही खूबसूरती के साथ जीते थे और लोगों को भी जीने की प्रेरणा देते थे। युवा कपिल प्रकृति की गोद में बैठकर जीवन का भरपूर आनंद उठाते थे। नैसर्गिक छटाएं इनके जीवन में रंग भरने का काम करती थी। इन्हें जीवन को सरल और सहज ढंग से जीने की प्रेरणा देती थी। वो कभी सूर्यदेव की असीम शक्ति और तेज को घंटों निहारते रहते थे। इनके रोम रोम में संगीत बसा था, इसलिए कभी कभी वो सुरों की तान छेड़कर प्रकृति को रिझाते थे। तब नैसर्गिक छटाएं इन्हें गले से लगा लेती थी। पशु हो या पक्षी या दुनिया का कोई भी प्राणी, सबसे ये दिल खोलकर अपने प्रेम का इजहार करते थे। इनका आकर्षक व्यक्तित्व किसी को भी अपना बना लेता था। इनका सांसारिक जीवन अध्यात्म की रहस्यमय दुनिया की तरफ बढ़ने लगा था। इनके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा के भाव पैदा होने लगे थे। इन्हें बच्चों से असीम प्यार था और आज भी है। वो बच्चों के निश्चल और निर्मल स्वभाव के अभिभूत थे। यही कारण है कि वो बच्चों के संग खेलने और मनोरंजन करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। बच्चे भी बाबा के सानिध्य में अपार आनंद का अनुभव करते थे। आज भी बाबा बच्चों की निश्चलता में बह जाते हैं और बच्चे बनकर अपनी निर्मलता से लोगों का मन पावन बना देते हैं। हिमालय के गांव खाती और बागेश्वर के लोग बाबा के चमत्कार से बेहद प्रभावित थे। यही कारण है कि यहाँ के लोग इन्हें एक ऐसा महापुरुष मानते थे जो सचमुच ईश्वर का अवतार हो। बाबा हर पल इनके दुख दर्द में साथ रहते थे। हिमालय के गांवों में बाबा के चमत्कार के ऐसे अनेक किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं। लोगों को जीवन दान देने, असाध्य रोगों को पल भर में निदान करने जैसे अनेक किस्से यहाँ के लोगों की जुबान पर हैं। ये करिश्माई योगी पल भर में लोगों को अपना बना लेते हैं। इनकी मधुर वाणी लोगों को बरबस अपनी तरफ खींच लेती है। हिमालय में इस युवा संत को अनेक महापुरुषों, सिद्ध महात्माओं और ऋषि मुनियों का सानिध्य मिला। कपिल नाम के इस साधक की कठोर साधना से हिमालय के ऋषि मुनिगण और संत प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। देवलोक भी इस महायोगी की कठोर तपस्या से गूंज उठा और धरती से आकाश तक इनके विचार तरंग एक शक्तिपुंज के रूप में प्रवाहित होने लगे थे। महायोगी पायलट बाबा का प्रिय स्थान पिंडारी ग्लेशियर है। यहीं पर बाबा की अपनी गुफा है जहां पर बाबा का निवास है। यहां बाबा घंटों साधना में लीन रहते हैं। हिमालय स्थित पिंडारी ग्लेशियर का क्षेत्र पायलट बाबा की साधना का मुख्य केंद्र रहा है। पिंडारी स्थित पिंडर नदी के तट पर हजारों सालों से सिद्ध संत तप करते आ रहे हैं।
यहीं पर समुन्दर की सतह से 28,000 फीट ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। यहाँ पर भी पायलट बाबा साधना में रहकर यहाँ के संतों के लिए एक रहस्य बन गए थे। कई बार इन्हें नंदा देवी के रास्ते में बाबा मथुरादास, कृष्णकाल के कृपाचार्य जैसे सिद्ध संतों से सामना हुआ है। मथुरादास बाबा इनकी शक्ति को पहचान गए थे। हमेशा इनका वरदहस्त पायलट बाबा पर बना रहा। कृपाचार्य ने बाबा के तेज मुखमंडल की आभा को पढ़कर ये कहा था कि तुम भारतवासियों से कहो कि वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने का प्रयास करें, क्योंकि धर्म सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करता है और जहां आदमी आदमी से प्यार करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धर्म एक दिन इन्हें छोड़ देगा और इंसान कहीं का नहीं रहेगा। एक बार ये पिंडारी से बद्रीनाथ की यात्रा पर चल पड़े। इनकी दिव्य शक्तियां बद्रीनाथ के वायुमंडल में एक तरंग बनकर फैलने लगी। एक ऐसा प्रकाश पुंज बनकर यहाँ के ऋषि मुनियों के सामने चुनौती बनकर खड़ी हो गई थी। आकाश में अचानक गर्जना होने लगी। ऐसे में घटाओं के बीच से सुंदरनाथ बाबा और सर्वेश्वरानंद बाबा प्रकट होकर इन्हें दर्शन देते हैं। बाबा पर इनकी कृपा दृष्टि बरसने लगती है। तब सुंदरनाथ बाबा ने इन्हें अद्वैतवाद से परिचय कराया। ये जानने के बाद बाबा का मैं विलुप्त हो गया, अहंकार टूट गया, जो कुछ मैं था वो भी नहीं रह गया और जो कुछ रहने वाला था वो भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हिमालय के सैकड़ों सिद्ध महात्माओं का सिद्ध स्थान शिवलिंग पर्वत भी है, जहां पर नील तालाब है जो साक्षात सरस्वती के रूप में सिद्ध लोक में उतरकर सिद्ध महापुरुषों को अपने ज्ञान और जीवन के गूढ़ रहस्यों से अनुप्राणित करती रहती है। इसी सिद्ध तपोभूमि में 24 सिद्ध महात्माओं का निवास है। इन सिद्ध संतों की एक टोली है जो हिमालय के ध्रुव केंद्र से सांसारिक गतिविधियों का अपने तरीके से संचालन करते रहते हैं। इस सिद्ध तपोभूमि में सुंदरनाथ बाबा, सर्वेश्वरानंद बाबा, सोमवारी बाबा, लटुरिया बाबा, विशुधानंद बाबा, तेलंग स्वामी, उड़िया बाबा, हेडिया खान बाबा जैसे सिद्ध योगियों का निवास है। इन सिद्ध योगियों में महायोगी पायलट बाबा भी हैं, जो इन महात्माओं की टोली के ध्रुव स्तंभ हैं। इन संतों में हेडिया खान बाबा ही आज अपने असली स्वरूप में महावतार बाबा के रूप में जाने जाते हैं। यही महावतार बाबा महाभारत काल में कृपाचार्य के रूप में जाने जाते थे। हिमालय के इस सिद्ध तपोभूमि में विशुधानंद, भृगुराम और भारती ने इस इलाके में रामपुरी और सिद्धपुरी नाम से सिद्धलोक बसाया है। इसी ध्रुव केंद्र में सूक्ष्म शरीरधारी 24 महात्माओं का निवास है। इस स्थान को भारतीय संस्कृति के अनुसार दिव्य लोक और पश्चिमी सभ्यता में इसे संगरीला के नाम से जाना जाता है। इस दिव्य लोक में विचरण करने वाले ये 24 सूक्ष्म शरीरधारी महात्मा हजारों सालों से हैं, जिनकी आयु 5000 वर्ष है, जिनमें सिद्ध महायोगी पायलट बाबा भी हैं। इन सिद्ध संतों में पायलट बाबा ही एक ऐसे संत हैं जिन्होंने चिन्नर कैलाश से नाहन, सिरमौर, चुरधार के रास्ते हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों से होते हुए हिमालय की परिक्रमा 7 वर्षों में पूरी की है। हिमालय में तपस्या के दौरान पायलट बाबा को सोमवारी बाबा, मोनी बाबा, पहाड़ी बाबा, माता आनंदमयी, फकीर रमजान मियां, नानतिन बाबा जैसे अनेक सिद्ध महात्माओं का सानिध्य मिला और इनका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त हुआ। पायलट बाबा के तप बल का ऐसा प्रभाव था जिसके कारण देवलोक से लेकर भूलोक तक, ऋषि मुनि से लेकर देवगढ़ तक इनकी साधना की चर्चा करते रहते थे। पायलट बाबा की जिंदगी में हल्द्वानी के पास स्थित कालीचोर की देवी माता का विशेष स्थान है, जहाँ के दुर्गम और घने जंगलों में बाबा ने कठोर तपस्या कर
माँ देवी को प्रसन्न कर लिया था। कहा जाता है कि यहाँ पर गलत विचार वाले लोगों का निवास नहीं हो पाता है। गलत विचार रखने वाले मौत के मुंह में समा जाते हैं। कालीचौर के रास्ते में कई अभिमानी सन्यासियों से पायलट बाबा का सामना हुआ, जिन्होंने अपने तपबल से पायलट बाबा को ललकार दिया। लेकिन पायलट बाबा ने इसका जवाब इसी अंदाज में दिया, बाबा पर माँ भैरवी देवी की विशेष कृपा रही, यही कारण है कि देवी प्रसन्न होकर इन्हें जगत कल्याण के लिए प्रेरित करती है। बस क्या था, इस महायोगी ने माँ के वचन को पूरा करने और विश्व कल्याण के लिए कालीचौर, अल्मोड़ा, दिल्ली, आगरा, रानीखेत सहित सैकड़ों स्थानों पर जल समाधि लगाई। पायलट बाबा देश के कोने कोने में समाधि लगाकर चर्चा का विषय बनते जा रहे थे। तब आकाश मार्ग के सभी देवगण इन्हें आशीर्वाद देकर आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि अब विश्व का कोना कोना सुख शांति से जगमगा जाएगा। हिमालय के सभी पशु पक्षी भी झूम झूम कर अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे। बाबा की समाधि ने आकाश से धरती तक एक ऐसा प्रकाश बिखेरा था जिसकी खुशबू से सारे पशु पक्षी से लेकर जनजीवन तक आनंद मग्न होने लगे थे। जब बाबा जल समाधि में जाते थे तब लोगों की सांसें थम जाती थी। देखते ही देखते बाबा जल के अंदर विलीन हो जाते थे। लोगों के चेहरे पर कई प्रश्न खड़े हो जाते थे कि कैसे बाबा जल के अंदर जिंदा रहेंगे। लोग मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, बाबा को सही सलामत रखना ताकि उनकी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसती रहे। हजारों का हुजूम बाबा की जय जयकार लगाकर वायुमंडल में विचरण करने वाली सूक्ष्म शक्तियों को भूलोक में आने के लिए बाध्य कर रही थी, और पायलट बाबा जल के अंदर समाधिस्थ होकर सूक्ष्म शक्तियों की लीला को देख रहे थे। अल्मोड़ा में 9 दिन की जल समाधि से इन्होंने जन जन में सुख शांति और समृद्धि की एक लहर फैलाई। समाधि के माध्यम से लोगों की बीमारियों का पल भर में निदान कर दिया। लोगों का मानसिक कष्ट देखते ही देखते दूर हो गया। अल्मोड़ा की गली गली पायलट बाबा की जय जयकार से गूंज उठी। ये समाधि यहाँ के हजारों लोगों के जीवन में एक नया उजाला लेकर आई। लोग अपना सुख दुख दर्द भूल कर आनंद के सागर में डुबकी लगाने लगे थे। लोगों की जुबान पर केवल इस सिद्ध महात्मा का ही नाम था। पायलट बाबा की भूमिगत समाधि कोई चमत्कार नहीं थी, बल्कि लोक कल्याण का एक ऐसा अभियान था जिसके प्रवाह में खुद ब खुद लोग बहते जा रहे थे। हजारों लोगों का जनसैलाब इस समाधि में उमड़ता था। कई कई दिन पहले से लोग इस समाधि में भाग लेने के लिए आंखें गड़ाए रहते थे। आज वो समय आ गया है। गांव-गांव और नगर-नगर से लोग इस समाधि का लाभ उठाने के लिए आने लगे हैं।
लोग अपनी सांस दबाए पायलट बाबा की समाधि की प्रतीक्षा में बैठे हैं कि बाबा कब समाधि से वापस आएंगे। वो घड़ी आ ही गई और जय जयकार के साथ पायलट बाबा भूमिगत समाधि में जाते हैं। लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं कि बाबा फिर कब लौटेंगे और उन्हें कब अपना आशीर्वचन देंगे। बाबा बाहर आते हैं और लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। युगों युगों में ऐसा योगी एक पैदा होता है, युगों युगों में ऐसा योगी एक पैदा होता है, धरती के कोने कोने में शांति बीज बोता है। युगों युगों में ऐसा योगी एक पैदा होता है, धरती के कोने कोने में शांति बीज बोता है। गर्व से कहता है हिमालय हो 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 हो, गर्व से कहता है हिमालय इस योगी की अमर कहानी, गर्व से कहता है हिमालय इस योगी की अमर कहानी। लुटा रहा है दुनिया में जो सत्य प्रेम की अमृतवाणी, लुटा रहा। देखते ही देखते हजारों लोगों के दुख दर्द और मानसिक क्लेश संताप भाग जाते हैं। खुशियां उनके घर में फिर लौट आती हैं। धन्य है ऐसे बाबा जिनकी अद्भुत गाथा गांव गांव गली गली में एक किंवदंती बनी है। ये सिलसिला अनवरत प्रवाहित हो रहा है और बाबा कहीं पर भी रहकर अपना ये लोक कल्याण का अनंत प्रकाश फैलाते जा रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में बैठा हर शख्स इनकी अनुपस्थिति में भी इस प्रकाश के आभा मंडल में सराबोर होते रहते हैं। पायलट बाबा ने देश के कोने कोने में अपने एयरटाइट ग्लास अर्थात वायु विहीन समाधि लगाई है और जन कल्याण किया है। इन्होंने देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में जाकर अपनी समाधि से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। बाबा सूक्ष्म रूप में जाकर वायुमंडल की दिव्य शक्तियों से लोक कल्याण पर वार्तालाप कर रहे थे। ये शक्तियाँ पृथ्वी पर फैल रहे अत्याचार और अधर्म के खिलाफ एकजुट होने का निमंत्रण दे रही थी। बाबा अपनी सूक्ष्म शक्ति से विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बाबा के बाहर आते हजारों लोगों की जय जयकार सुनाई पड़ती है। और बाबा कहने लगते हैं, विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, अब देर नहीं, बुरी आत्माएं सदा के लिए समाप्त होंगी और विश्व में शांति और खुशहाली छाएगी। देश के कोने कोने में पायलट बाबा की वायुविहीन अर्थात शीशे की समाधि संतों वैज्ञानिकों और साधकों के लिए एक शोध का विषय बनता जा रहा था। लोग आश्चर्य करते थे कि बाबा कैसे कई जगह पर एक साथ पहुंच जाते हैं। आज भी बाबा की समाधि का ये रहस्य विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। समाधि से जन कल्याण का प्रयोग केवल सिद्ध संत ही जान सकते हैं, ये विज्ञान से परे है। अगर हम भगवान को मान लें तो कौन सी बड़ी गलती है? और जब जानते हैं कि हमारा मानना ही सत्य को साबित कर सकता है तो बुद्धिजीवी जगत का सबसे बड़ा मिस्टेक है। सुप्रीमेसी को नहीं स्वीकार करता है कि माइंड का ईगो है, मन का ईगो है, मन का ईगो सफर करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए विज्ञान में दोष है कि सत्य को छोड़ करके भौतिकवाद के भाग गया। शव समाधि के माध्यम से विश्व कल्याण करने वाले संत विरले ही मिलेंगे। इनमें पायलट बाबा का एक प्रमुख नाम है जिन्होंने अपनी समाधि से दुनिया भर में शांति
और जनकल्याण का शंखनाद किया है। पिंडारी की 33 दिन की शव समाधि इनका एक ज्वलंत दृष्टांत है। इन्होंने समाधि में जाकर सूक्ष्म शरीर धारण कर विश्व कल्याण और शांति के लिए हिमालय के सिद्ध संतों से मंत्रणा की थी। इनके विचार तरंग ऐसे संतों के विचार तरंगों से टकराने लगी थी। तब किसी दिव्य शक्ति का संकेत पाकर हिमालय के 23 सिद्ध संत बिना देर किए इस समाधि के साक्षी बने थे। इन सिद्ध महात्माओं में अवतार बाबा, महावतार बाबा, सर्वेश्वरानंद बाबा, सुंदरनाथ बाबा, मथुरादास बाबा प्रमुख हैं। बाबा पर इन संतों की कृपा बरसने लगती है। बाबा आकाश मार्ग से होते हुए सिद्धलोक भी जाते हैं, जहां का वातावरण पक्षियों के कलरव से गुंजायमान था। आकाश में घटाएं विचरण कर रही थी। तारों के बीच सूक्ष्म शरीरधारी संतों की आत्माएं वायुमंडल में एक अनुपम दिव्य शक्ति का संचार कर रही थी। अंतरिक्ष में मां जगदम्बा, ईसा मसीह और महात्मा बुद्ध भी इन्हें दर्शन देते हैं। इनके बाद बाबा आकाश मार्ग से भूलोक की तरफ लौटते हैं। इन्हें घने जंगलों में बाघ, शेर, हाथियों का झुंड आपस में लड़ते हुए दिखाई देता है। बाबा इनके ऊपर अपना हाथ फेरते हैं। सारे पशु पक्षी मिलजुल कर आपस में प्यार करने लगते हैं। बाबा समाधि से निकलते हैं। वातावरण पायलट बाबा की जय जयकार से गूंज उठता है। पायलट बाबा ने योग के माध्यम से देश विदेश के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए जागरूक किया है। इन्होंने जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को योग करने के लिए प्रोत्साहित किया है और दुनिया को ये बताया है कि बिना योग के शरीर और मन स्वस्थ नहीं रह सकता है। योग का अर्थ है दो आत्माओं का मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब कोई व्यक्ति योग में पारंगत हो जाता है तो वो परमात्मा का होकर केवल रह जाता है। उसकी मन, बुद्धि, कर्म और शरीर सब कुछ ईश्वरमय हो जाता है। योगी ऐसे ही अपने भक्तों पर कृपा कर देता है। पायलट बाबा ने हरिद्वार और अलाहाबाद महाकुंभ में पधारकर भी विश्व में शांति और मानवता का संदेश फैलाया। कुंभ महापर्व के दौरान कई बार बाबा ने विश्व में फैल रहे हिंसा और शांति के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और अपनी दिव्य शक्ति और विचार तरंगों के माध्यम से हिमालय के अलावा कई सूक्ष्म शरीरधारी सिद्ध संतों को शांति महायज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाया था। जब इलाहाबाद महाकुंभ में सन 1977 में बाबा ने अपनी टोली जमाई, तब सिद्ध संत देवराहा बाबा से भी इनका सामना हुआ। तब देवराहा बाबा ने इनसे कहा था कि एक लहर आएगी और ये लहर तुमको लानी है, क्योंकि इस दुनिया में समाधि का प्रयोग तुम ही जानते हो। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, दुनिया में अपनी समाधि से एक लहर पैदा करो। पायलट बाबा ने इस वचन को निभाया और अपनी कठोर समाधि के जरिए ऐसी लहर पैदा की जिसका साक्षात लाभ दुनिया भर के लोगों ने उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। To help the people and I want to share their loves and their loving feeling to coming in the Kumbh Melas. सन 2010 का हरिद्वार महाकुंभ विश्व शांति का एक अनूठा उदाहरण है। इस दौरान पायलट बाबा ने लगभग 2,000 से 2,500 विदेशियों को दीक्षा देकर उनके जीवन को एक नई दिशा की तरफ मोड़ दिया। इस दीक्षा का उद्देश्य पश्चिम सभ्यता में पल रहे लोगों को विश्व शांति के लिए प्रेरित करना था, इनकी आत्मा को निर्मल बनाना था। इसी उद्देश्य से पायलट बाबा ने इस महाकुंभ पर्व में आत्मशुद्धि के माध्यम से हजारों विदेशियों को एक नई राह दिखाई और जीने का एक सरल मार्ग बताया जिससे वो सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सकें। इस दौरान बाबा ने लोगों को दर्शन देकर अपने शिष्यों पर कृपा भी बरसाई।
बिहार के सासाराम स्थित एक छोटे से गांव बिशनपुरा में एक ऐसे अद्भुत बालक का जन्म हुआ जिसकी लीला लोगों को आश्चर्य में डाल देती थी। बालक की किलकारी जब घर में गूंजी तब घर परिवार और गांव में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। माँ बाप ने इस बच्चे का नाम ललन रखा, जिसे प्यार से लोग कपिल कहकर पुकारने लगे। माँ तपेश्वरी देवी ने इस बालक को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला। बचपन से ही इस बालक का मन पूजा पाठ में ज्यादा लगता था। यही कारण था कि माँ का ये दुलारा बेटा ललन ईश्वर की भक्ति में सदैव लगा रहता था। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी जब माँ पूजा करती थी तब ये बालक चुपके से माँ के बगल में बैठ जाता और भगवत भक्ति में लीन हो जाता था। ईश्वर की भक्ति में लीन होकर ललन ईश्वरमय हो जाता था। इसे दुनिया का सारा सुख और आनंद प्रभु सुमिरन में ही मिलता था। बचपन से ही ललन की जिंदगी में अद्भुत घटनाएं घटने लगी थी। जब भी ललन बच्चों के साथ खेलता था उस वक्त एक योगी आकर ललन के साथ खेलने लगता, तब माँ डर जाती। बेटा तेरे लिए विष्णु भगवान की पूजा करने आ गई। बेटा मैं तो बस बाबा के पास गया था। दिन रात बाबा का चक्कर क्या रखा है बाबा में? क्यों जाता बाबा के पास? हमसे मत जाना बाबा के पास, बहुत डर लगता है बेटा। कहीं बाबा ने तेरी मती फेर दी तो? तुम तो ऐसी चिंता करते हो माँ, मैं तो उनके पास सिर्फ जादू देखने के लिए गया था। ऐसे बाबा से दूर रहे, कहीं बाबा ने जादू टोना कर दिया तो? उसे तो पढ़ाई में ध्यान देगा ना बेटा। ललन जब भी पढ़ने बैठते उनकी पुस्तक पर एक योगी की छवि उभर जाती थी। वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि ये योगी हैं कौन। ऐसे में वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस तस्वीर को देखने में मग्न हो जाते। ललन का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। शरारती बालक ललन स्कूल के लिए घर से तो निकलता था, लेकिन अगर रास्ते में खाने की चीज दिखाई पड़ जाती थी तो वो स्कूल नहीं जाता था और कहता था देखा जाएगा, पहले जीवर के खा तो लें। कमला बैठ जाओ, बिमला बैठ जाओ, ललन मास्टर जी तो रास्ते में मिला था वो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? जा बुला ला, का नाम मास्टर जी ने बुलाया है। ठीक है मास्टर जी। बैठ जाओ। आज पढ़ने क्यों नहीं आए? मास्टर जी मैं तो आ ही रहा था लेकिन रास्ते में मुझे अमरूद का पेड़ दिख गया तो। बहाना हटाई करो, हटाई करो। कान पकड़ो, दोनों हाथ से कान पकड़ो, उठो बैठो। एक दो तीन चार पाँच छः, बस अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, ठीक है? जाओ बैठो क्लास। ललन की पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी ना होने की वजह से माता पिता चिंतित रहते थे। माता पिता को ऐसा लगा कि अगर इसे पढ़ने के लिए गांव से बाहर शहर भेज दिया जाए तो ललन का भविष्य बन सकता है। माता पिता के दबाव में वो पढ़ने तो बैठते लेकिन वो अपनी कॉपी नाटक और कथा कहानियों से भर डालते।
ललन गांव से प्राथमिक शिक्षा हासिल कर पढ़ने के लिए दार्जिलिंग आ गया। दार्जिलिंग की हरी भरी वादियां ललन की प्रतीक्षा कर रही थी। दार्जिलिंग के एक नामचीन बोर्डिंग स्कूल में ललन का दाखिला हुआ। पढ़ाई तो केवल एक बहाना था, इसका लक्ष्य तो कहीं और था। कपिल अब युवा हो चुके थे। इनका युवा मन जीवन और जगत के रहस्यों को जानने के लिए छटपटा रहा था। पढ़ाई से जब भी मन उबता, दार्जिलिंग की हरी भरी वादियों का आनंद लेने निकल जाते। इनकी एक दोस्त थी, सौंदर्य की परी, स्वप्न सुंदरी लक्ष्मी। ललन की गहरी दोस्त बन चुकी थी लक्ष्मी। लक्ष्मी ललन से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती थी। ललन भी लक्ष्मी को दिल से चाहता था। ललन अपने दोस्तों के बीच रहकर भी कहीं और खो जाता। क्या मित्रों के भय से दूर रहकर जीने का कोई और साधन नहीं हो सकता? हो सकता है। मृत्यु के भय से दूर होने का एक ही मार्ग है कपिल, और वो मार्ग है तपस्या। तपस्या करो कपिल, तपस्या। बहुत मोहग्रस्त हो बेटी, तुम्हारा ये मोह तुम्हारे लिए ही नहीं कपिल के लिए भी बाधा उत्पन्न करेगा। मैंने कपिल के साथ जो भी किया वो तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हारे अंतर मन में अंकुरित होती तुम्हारे प्रेम की परीक्षा थी, जिसमें तुम सफल होके भी असफल। तुम अपना ही नहीं कपिल का भी मार्ग बाधित कर रही। क्षमा कीजिए बाबा, लक्ष्मी को क्षमा कीजिए, मैंने आपका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा। अध्यात्म, अलौकिकता और माया के दो राहों पर खड़ा ललन ये नहीं सोच पा रहा था कि आखिर उसकी मंजिल है कहां। लक्ष्मी हमेशा इनके साथ थी, लेकिन वो कभी सहगामिनी थी तो कभी मुक्ति तो कभी विरक्ति। ललन उर्फ कपिल लक्ष्मी के साथ प्रकृति की हरी भरी वादियों में सैर करते रहे।
लक्ष्मी के साथ इन्होंने देश विदेश की सैर की। इसी दौरान इन्होंने शिलोंग में बोटिंग क्लब में दाखिला लेकर जीवन का भरपूर आनंद उठाया। बोर्डिंग स्कूल की शिक्षा अर्जित करने के बाद ललन ने शिलोंग लॉ कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन यहां भी इनका मन नहीं लगा। इसके बाद घाटों की नगरी वाराणसी में शिक्षा अर्जित करने के लिए आ गए। इन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन यहां भी इनका मन नहीं लगा। इनके अंदर देश प्रेम की भावना जागने लगी थी। चूंकि इनका परिवार स्वतंत्रता की लड़ाई में एक निर्णायक भूमिका निभा चुका था, ऐसे में ललन के अंदर भी देशभक्ति की भावना जागने लगी थी। कभी पटना में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी पीठ थपथपाते हुए कहा था कि कपिल, देश को तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत है, देश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और इन्होंने देश सेवा के लिए वायुसेना में जाने का निर्णय ले लिया। एक पायलट ऑफिसर के पद पर रहकर ललन ने भारत चीन और पाकिस्तान के युद्ध में भाग लेकर दुश्मनों को करारा जवाब दिया। और देखते ही देखते ललन का नाम देश सेवा के लिए एक मिसाल ही नहीं बन गया, बल्कि स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होकर एक इतिहास बन गया। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। इसके लिए इन्हें शौर्य चक्र, वीर चक्र जैसे अनेक मेडलों से विभूषित किया गया। अब ललन की चेतना जागृत हो गई थी। इन्हें भविष्य की घटनाओं का आभास होने लगा था। ये भविष्य की घटित होने वाली घटनाओं के बारे में सोच ही रहे थे, तब एक हरि बाबा आ गए। अरख निरंजन, अरख निरंजन। हम तुम्हारी चिंता समझ रहे हैं कपिल, इसलिए हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुमने जो देखा
वो सत्य है पर वो वर्तमान नहीं भविष्य है। तुम्हें दिव्य संकेत मिले हैं और ऐसे संकेत चैत्य पुरुष को ही मिलते हैं। अपने अक्षरों से कह दो कल संकट का दिन है, कल यहां से कोई विमान उड़ान न भरे। अलाप निरंजन निकालो दो रुपए। अलाप निरंजन ललन ने घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जब पायलट अफसरों को बताया वो ललन की बातों का मजाक उड़ाने लगे। जिसका परिणाम बुरा हुआ। नौकरी छोड़ दो, मुझे बहुत डर लगता है। मार्टिन के साथ जो हुआ मैं नहीं चाहती कि वो किसी के भी साथ हो। आदमी बस एक बार मरता है लक्ष्मी, बस एक बार। यदि मुझे बार बार मरना पड़े तो उससे बेहतर है कि मैं देश के लिए मरूं। मेरा जीवन देश से बड़ा नहीं है लक्ष्मी। मुझे दर्शन की बातें मत बताओ कपिल, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर जीना चाहती हूँ। धन दौलत वैभव विलास सबका सुख लेना चाहती हूँ। कपिल तुम अपने अहम के लिए मुझे नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं। यदि मुझे देश के लिए मरना पड़े तो उसके लिए मैं कुछ भी ठुकरा सकता हूँ। एक सुहाग ठुकरा के यदि मैं हजारों बहनों के सुहाग को बचा सकूं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। देश सेवा करते हुए ललन के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा और दशा ही बदल दी। उस दिन कपिल पर्वत घाटी के ऊपर उड़ान भर रहे थे, अचानक विमान में खराबी आ गई जिससे विमान धीरे धीरे नीचे आने लगा। ललन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, अंततः विमान पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया। इसका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। ललन मौत के करीब जा रहे थे लेकिन अचानक विमान एक अदृश्य शक्ति के प्रभाव से ऊपर उठने लगा था। यह अदृश्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि एक योगी हरि बाबा थे जिन्होंने विमान को सुरक्षित रूप से जमीन पर उतार दिया था। ललन साक्षात आकाश मार्ग में जीवन से मौत को हारने की रहस्यमयी दास्तां देखकर हैरान थे। ऐसी घटनाएं ललन को कहीं ना कहीं मौत के बाद के सत्य को जानने को प्रेरित कर रही थी। आसमान में खुले आकाश में बिना बाउंड्री विदाउट लिमिटेशन विदाउट रेस्ट्रिक्शन को एंजॉय करना फ्लाई करना वो इंडिकेट करता था और कुछ विराट। लेकिन वो विराट इस अंतरिक्ष में हमारे आप में छिपा हुआ है तो उसको जाना जाए, उसको खोज आ जाए। इसकी कभी कभी भावनाएं प्रकट होती थी वो धीरे रूप बनकर परिवर्तन कर। इसी बीच ललन नौकरी से छुट्टी मिलते ही अपने गांव बिशनपुरा आ गए। एक दिन ललन कैमूर की पहाड़ी में शिकार करने गए। ललन तो छुट्टियों में भरपूर आनंद उठाने आए थे लेकिन हुआ कुछ और जिसे देखकर ललन चकित हो गए। पहली बार बाघ बाबा की शरण में आकर इन्हें सत्य का आभास हुआ। मारो, चलाओ गोली, अंत कर दो मेरा, अभी मेरे प्राण शेष है, विलंब ना करो। खड़े क्यों हो कपिल, चलाओ गोली। पापा,
पापा मैं तो बस को मारने आए थे। यही कहना चाहते हो ना तुम? चीते और मनुष्य में क्या भेद है, क्यों भूल जाते हो? उसे जीने का अधिकार है, क्या कष्ट मात्र मनुष्य को होता है? क्या भेद है मनुष्य और चीते में? मनुष्य के समान उसके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं है और न ही उनमें मनुष्य के समान अपराध की प्रवृत्ति है। क्यों मार रहे हो उस चीते को? क्या शत्रुता है तुम्हारी उससे? क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? यदि जंगल के सभी प्राणी तुम्हारे लक्ष्य है तो अंत कर दो मेरा, इसी समय मेरा अंत कर दो, क्योंकि मैं भी एक जंगल का प्राणी हूँ। अंत कर दो कपिल, देखते क्या हो, चलाओ गोली, अंत कर दो मेरा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर। के बाद छुट्टियां बिताकर ललन ने पायलट की नौकरी वापस ज्वाइन कर ली। अब ललन का मन एकांत की तरफ बढ़ता जा रहा था। वो घंटों जीने की प्रेरणा देने वाली हरी भरी वादियों की गोद में बैठकर जीवन की सच्चाई और सत्य को जानने में डूब जाते थे। इसी दौरान ललन बॉम्बे आ गए। लक्ष्मी ललन से मिलने के लिए बॉम्बे आ गई। लक्ष्मी ने यहीं पर ललन के सामने शादी का यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया, जिसे सुनकर ललन का अंतर्मन कांप उठा। यहाँ कोई नहीं जो मेरे भावनाओं को समझे, मैं नहीं रहूंगा तो कोई समस्या ही नहीं रहे। कपिल! 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 लक्ष्मी, ये योगी है। योगी अराग निरंजन। लक्ष्मी के बंधन से मुक्त होकर ललन चल पड़ते हैं हिमालय की अनंत यात्रा की तरफ। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए सुख लाए तेरो नाम। इनका अंतर्मन सत्य की खोज के लिए छटपटा रहा था। इसके लिए इन्होंने दुनिया की हर महंगी वस्तुओं को ठुकरा दिया। धन दौलत से इनका मोह टूट गया और ये अपने चाय के बागान और महंगी गाड़ियां इस जगत को दान में देकर निकल पड़े थे सत्य से साक्षात्कार करने। ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं, ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं, तेरे चरणों की धूल मिल जाए, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं। ललन तो बस चलते जा रहे थे। दुर्गम पर्वतों, चट्टानों, घाटियों को पार करते हुए जीवन का सच्चा आनंद ढूंढने। उन्हें क्या पता था कि सत्य का रास्ता कितना कटीला और जोखिम भरा होता है, जहां पर पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन ललन हार कहां मानने वाले थे। वो लगातार कांटों को चीरते हुए बढ़ते जा रहे थे।
से नाता। ललन नारायणी नदी के किनारे पहुंच चुके थे, इनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। तभी प्रकाश का एक पिंड उनकी तरफ आने लगा। उस प्रकाश पुंज से आवाज आती है, तपस्या करो कपिल, तपस्या। ऐसे गुरु को बल बल जाए, ऐसे गुरु को बल बल जाए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। हिमालय की अटल गहराइयों में ललन साधना में लीन हो चुके थे। एक अदृश्य प्रकाश उन्हें सदैव जीवन जीने के लिए एक असीम ऊर्जा पैदा करता जा रहा था। सांसारिकता से दूर चेतन तत्व की खोज में साधनारत ये नवयुवक अब योगी की तरह तपस्या में लीन रहता था। ना इसे दिन की फिक्र थी ना ही रात की, बस मन में एक ही तड़प थी, शिवत्व की प्राप्ति जो निराकार है। ललन साधना की स्थिति में अपने उस रूप को देखते हैं जो एक सामान्य मानव नहीं समझ सकता। ललन का अंतर्मन इस सत्य से परिचित हो चुका था कि जीवन का उद्देश्य असीम को पाना है। असीम को पाने का अर्थ है योग, योग अर्थात ईश्वर से जुड़ाव। अब साधना रत ललन एक योगी बन चुके थे, जिनका शरीर तो इस संसार में था लेकिन मन कहीं और था। हिमालय की बर्फीली घाटियों में तपकर ये योगी अलौकिकता के करीब पहुंचने लगा था। वो हिमालय की गोद में कई कई दिनों तक असीम साधना के शिखर पर पहुंचकर आनंदित रहता। सत्य के मार्ग की तरफ उसका कदम बढ़ने लगा था। अपने संकल्पों और सिद्धियों से कई सिद्ध ऋषि मुनियों की शक्ति को करीब से जान चुका ये योगी दुर्वासा ऋषि की शक्ति का भी साक्षात्कार करना चाहता था। आखिर क्या कारण है कि ये ऋषि अपने क्रोध को काबू में नहीं रख पाते हैं? इस सत्य को जानने के लिए ये योगी संकल्प करता है कि दुर्वासा ऋषि की इस शक्ति को वो जानकर रहेगा। और ये तपस्वी नदी के बीच में एक टीले पर बैठकर साधना में डूब जाता है। अचानक एक जलधारा पानी के अंदर से फूट पड़ती है और वो इस योगी को बिना छुए इनके सिर से निकल जाती है। इतने में एक दिव्य शक्ति आती है और इनके हृदय के अंदर प्रवेश कर जाती है। कपिल ने उनसे जाना कि दुर्वासा ऋषि गलत विचारों के घोर विरोधी हैं। अगर अपनी चित्त वृत्तियों को अपने विचारों से सूक्ष्म बनाया जाए तो सत्य के करीब पहुंचा जा सकता है। पांचों इंद्रियों में से एक क्रोध भी है, जिस पर नियंत्रण कर एक इंसान महानता के करीब पहुंच सकता है। ओम नमः शिवाय। हिमालय के इस साधक को कई ऐसे अलौकिक महापुरुषों का सानिध्य मिला जो सचमुच शिव के अवतार थे। अवतार बाबा, हरि बाबा जैसे अनेक संतों की शरण में रहकर ललन ने प्रभु की लीला को करीब से जाना। हिमालय के इस तपस्वी ने जीवन और जगत के रहस्यों को करीब से जाना, इसका साक्षात्कार किया। अब ये योगी एक सामान्य मानव नहीं था, जिसकी लीला केवल वो अदृश्य शक्ति ही जान सकती थी। और वो हरि बाबा के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवान।
भिखारी बाबा इन्हें एक गुफा में लेकर जाते हैं। बैठ जाओ बालक, बाबा गोरखनाथ आने ही वाले। साक्षात्कार करना है, अब तुम्हें शरीर का मोह त्याग देना होगा, त्याग देना होगा शरीर का अभिमान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिल बाबा गोरखनाथ के साथ अपनी माँ से भिक्षा लेने के लिए जब अपने गांव बिशनपुरा आते हैं तो अपने कलेजे के टुकड़े कपिल को योगी रूप में देखकर माँ तपेश्वरी देवी की आंखें नम हो जाती हैं और माँ को कपिल का बचपन याद आने लगता है। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया तो दुख के जंगल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। अब
अपने गुरु से ज्ञान पाकर ये योगी अद्भुत शक्तिपुंज बन जाता है और दुनिया भर में गुरु ज्ञान का मोती बांटने के लिए बेचैन हो जाता है। हिमालय का ये कर्म योगी मानव रूप में इस संसार में आकर मानवता और शांति के प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़ता है। शांति दूत बन कर एक योगी मानव रूप में आया है, पायलट बाबा बन कर जग में शांति का लख जगाया है। अटल हिमालय का आत्मविश्वास और अटूट इच्छा शक्ति लेकर एक ऐसा योगी जनता के बीच आया जिसने अपनी समाधि से लोगों को हैरत में डाल दिया और लोग इस अवधूत की कठिन साधना के अभिभूत हो गए। अब लोग इन्हें पायलट बाबा के नाम से जानने लगे और देखते ही देखते देश भर में इसी नाम से मशहूर हो गए। बिशनपुरा गांव में ये अफवाह फैली थी कि पायलट बाबा भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गए होंगे, लेकिन ये बात तब झूठी साबित हुई जब पायलट बाबा अपने गांव में माँ से भिक्षा लेने आए थे। विदेश की धरती पर जापान में इन्होंने अपनी पहली समाधि लगाई। इस समाधि को देखकर जापान में लोग बाबा के कायल हो गए। शांति की खोज में दर दर भटक रहे जापान के हजारों लोग बाबा के सेवक बन गए। बाबा के सानिध्य में रहकर इन्हें पहली बार जीवन में परमानंद की अनुभूति हुई। ये योगी अब प्रेम का प्याला पी चुके थे। हम लोग प्रेम वाले हैं, अध्यात्म में भक्ति करते हैं, संसार में प्रेम करते हैं। इसको वैज्ञानिक ढंग से ग्रेविटेशन हम लोग करते हैं। ये इस प्रेम में भक्ति में गुरुत्वाकर्षण में आकर्षण होता है, आकर्षण सत्यता है। सारा ये रचना आपको आकर्षण के बल पर टीका है, टीका रहेगा। इसे कहता है कि हम अपने केंद्र से जुड़े, जो हम आए तो सारा जगत हमारे लिए प्रेम में हो जाता है। जो भी व्यक्ति इन्हें सच्चे मन से याद करता था एक पल में वहाँ हाजिर हो जाते थे। सूक्ष्म रूप में जाकर ये योगी एक साथ कई जगह मौजूद होकर अपने शिष्यों के दुख दर्द में शरीक हो जाते थे। आज पायलट बाबा का जीवन विश्व कल्याण के लिए समर्पित है। जो भी असमर्थ व्यक्ति अपने दुख दर्द को लेकर इनके पास आता है तो बाबा इसे पल भर में हल कर देते हैं। इस कर्मयोगी को ये पता था कि देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए युवा शक्ति को आगे लाना आवश्यक है। इसीलिए इस भविष्य दृष्टा ने देश दुनिया में युवाओं के विकास के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इन्होंने इसकी शुरुआत अपने गांव बिशुनपुरा से की और महिलाओं की शिक्षा के लिए एक आधुनिक कन्या कॉलेज की स्थापना कर ये दिखा दिया कि कन्या शिक्षा के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। आज इस कॉलेज में सैकड़ों कन्याएं शिक्षा अर्जित कर रही हैं। यही नहीं, इस कॉलेज की कई छात्राएं विश्व स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। बाबा ने युवाओं के विकास के लिए अभी कई सपने पाल रखे हैं जिसे साकार करना है। पायलट बाबा का एक ही लक्ष्य था, पूरी दुनिया में विश्व शांति और मानवता का प्रचार प्रसार। इनकी समाधि अपने देश के बाहर विदेशों में भी तेजी से अपनी जगह बनाने लगी थी। देखते ही देखते ये महायोगी
अब भारत के बाहर अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, चाइना, जापान, इंग्लैंड, रशिया आदि कई देशों में शांति दूत और चमत्कारी तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इस योगी की अद्भुत शक्तियों के बारे में जान चुकी थी। उन्होंने पायलट बाबा को विश्व शांति के लिए धर्म संसद करने का प्रस्ताव रखा, जिसे बाबा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने कहा, तुम क्या करोगे? क्या साधु बन करके रामायण गीता की कथा ही कहोगे? मैं कहे तो हमारे लिए महान चीज है कि हम गीता पढ़ते रामायण पढ़ते हैं, लेकिन उन विचारों को ढोने के लिए मैं किसी से, मेरे में आदत नहीं है कि जो गुजर चुका है उसका वर्तमान बनाकर किसी को ढोने के लिए दोस्त। नई चीज़ की खोज, नए राम की खोज, नए कृष्ण की खोज हमें करनी है। हमें तुम क्या, तुम विश्व शांति के लिए क्यों? मैं कहा कि अगर हमारे करने से विश्व शांति में सहयोगी बन सकते हैं तो क्या करेंगे? तो कहा कि ठीक है, मैं नन अलाइनमेंट मीटिंग की तैयारी कर रही हूँ, तुम इसके साथ हो जाओ। आज हरिद्वार की पावन भूमि पर पायलट बाबा का ऐसा आश्रम है जहां आकर लोग सुकून महसूस करते हैं। गंगा की गोद में बसे हरिद्वार के तट पर स्थित पायलट बाबा का आश्रम सचमुच एक शांति धाम है। यहां पर कुंभ मेला के दौरान देश विदेश के लोग यहां आकर मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं और बाबा के सानिध्य में रहकर शांति और आनंद के सागर में गोते लगाते हैं। आज पायलट बाबा ने विश्व शांति के लिए यही संदेश दिया है। समाज को हम लोग देखते हैं, समाज को एक करना चाहते हैं, तुम अपने को रिकॉग्नाइज करो, तुम जो हो उसे पहचानो, जो तुम एक्ट कर रहे हो उसके साथ रहो। हमारा एक्ट वो क्रिएशन ऑफ फिजियोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, तुम वो असत्य नहीं है। तुम्हारा सत्य तुम में है, उसको इनलाइटन करो, उसको रियलाइज करो, उसको राइज करो। ऐसा करने से हम व्यक्तित्व से आपको हम कॉन्शसनेस बन जाते हैं, फिर कॉन्शसनेस को विश्व कॉन्शसनेस बना लो। तुम जो अपने कॉन्शसली यहाँ काम करोगे तो अपने से अलग किसी को नहीं समझोगे, और तुम मन से काम करोगे, शरीर से काम करोगे, तुम अपने को अपने व्यक्तित्व का परिचय दोगे, और जब तुम आत्मभाव में चले जाओगे तो तुम भी सतीत हो। तो विश्व शांति तभी है जब हम भावातीत हो। अभी बाबा के मन में ऐसे कई सपने हैं जिसे साकार करना है। पायलट बाबा दुनिया भर में विश्व शांति और मानवता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। इसीलिए आज भी ये अपने अंतर मन में असीम ऊर्जा लिए शांति के पथ पर दिन रात अग्रसर हैं। अंधेरा मिट रहा है और एक दिव्य ज्योति दुनिया में फैलती जा रही है।